नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको झारखंड से रिलेटेड एक सामान्य ज्ञान, प्रभात प्रकाशन की ये पुस्तक है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो PCS हो या वहाँ का शिक्षक का कोई एग्ज़ाम हो या कोई पुलिस लेवल का, झारखंड के सामान्य ज्ञान की एक विशेष भूमिका रहती है, काफ़ी तवज्जो दी जाती है, काफ़ी वेटेज होता है उसके मार्क्स का। तो ऐसे में आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई झारखंड सामान्य ज्ञान पुस्तक आपकी समस्या का समाधान करती है। और इसमें ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुकी है। इसको डॉक्टर मनीष रंजन, जो कि IAS हैं झारखंड कैडर के, उनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। इसमें टोटल 19 चैप्टर हैं और सबसे पहला चैप्टर झारखंड के इतिहास को बताता है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में क्या क्या घटनाएं हुई झारखंड से रिलेटेड, वो वहाँ पे दर्शा रहा है। साथ ही झारखंड के क्या आंदोलन रहे हैं, उसमें जनजातीय आंदोलन हो या फिर कुछ विद्रोह हो जनजातियों के द्वारा, तो उसको भी इन दोनों चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। झारखंड की क्या क्या विशिष्ट पहचान है, वहाँ के प्रमुख मेले हुए, पर्व त्यौहार, इनके बारे में इसमें विशिष्ट जानकारियाँ दी गई हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोक साहित्य, इसका चौथा चैप्टर है झारखंड का लोक साहित्य, और पांचवा चैप्टर है साहित्य और साहित्यकार जो कि झारखंड से संबंधित हैं। तो साहित्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आर्ट एंड कल्चर के पेपर में। झारखंड के शिक्षण संस्थान क्या क्या हैं, उनको दर्शाया गया है पार्ट 6 में। चैप्टर 7 में झारखंड की क्या भूमिका है खेलकूद में, भारत में वो क्या रोल निभाता है, झारखंड से कौन कौन से खिलाड़ी को हमें भारत में, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर आते हैं हम चैप्टर 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जमीन संबंधी कानून, जैसे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949, और इसके साथ साथ अन्य राज्यों के भी जो भूमि संबंधी कानून हैं उसको इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है झारखंड के PCS एग्जाम के लिए। इसके बाद आते हैं हम झारखंड के भौगोलिक पहलू की तरफ। तो झारखंड के भौगोलिक पहलू को हमने आर्थिक पहलू के रूप में उसको रिलेट करते हुए चैप्टर 9 में इसमें दर्शाया है 1947 से झारखंड राज्य में क्या क्या आर्थिक विकास हुए, वहाँ की क्या क्या नदी घाटी परियोजना है, क्या खनिज लवण मिलते हैं, किस प्रकार के वहाँ का क्लाइमेट है, और क्लाइमेट के साथ साथ फिर हम आ जाते हैं पर्यावरण और वहाँ के वन और वन्य जंतुओं के ऊपर। तो वो आपको चैप्टर 13 और 14 में मिल जाते हैं, वन और वन जंतु और पर्यावरण। इसी के साथ साथ जब हम भूगोल के बात करते हैं तो भूगोल में आपदा प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपदा प्रबंधन आपको 15वें चैप्टर में दिया हुआ है। झारखंड के औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई गई हैं, तो वो आपको झारखंड की नीति चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में आपको मिलती हैं। इसी के साथ जो हमारे समसामयिक की झारखंड से रिलेटेड है वो भी आपको चैप्टर 16 में ऐड किया हुआ है। और चैप्टर 17 आपका है कृषि पशुपालन विकास, क्या क्या, कितना एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डेवलप किया गया है, किस प्रकार से उसका योगदान है झारखंड की इकोनॉमी में, उसको हमने चैप्टर 17 में कवर किया है। इसके बाद चैप्टर 18 आता है जिसमें कि झारखंड की पॉपुलेशन सेंसस जनसांख्यिकी डेटा को दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। फिर लास्ट में चैप्टर 19 में हमने कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं जिनको हम आने वाले वीडियो सीरीज़ में स्पेशली विशेष तौर से हम कवर करेंगे। इस पुस्तक को आप अमेजन से खरीद सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन ऑर्डर करने पर आपको प्रभात प्रकाशन के दिए हुए नंबर्स पे आपको ये डिस्पैच भी की जा सकती है। हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।